कई बुक्स क्या करती हैं, लेंस मेकर लगाना सिखाती हैं। वो कहती हैं देखो बायकन्वेक्स लेंस है, हमने कहा ठीक है, एक आर पॉजिटिव है एक आर नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने आपको कैसे सिखाया, मैंने आपको सिखाया म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, और मैंने कहा कि एक आर पॉजिटिव है और एक आर नेगेटिव है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बुक्स कहती हैं कि पहले ये पुट करो और फिर एक नया फॉर्मूला तैयार करो, आप ये याद कर लो कि बाई कन्वेक्स लेंस में अगर आर एक पॉजिटिव एक आर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला है। अब कौन करेगा ये फॉर्मूला याद, नया हमने एक याद कर लिया, हमने साइन कन्वेंशन पुट कर लेनी है, हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वो कंकेव में लगा के दिखाता है, एक आर इन प्लेनो कन्वेक्स में लगा के दिखाता है एक आर इन्फिनिटी और एक नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जो मैंने साइन कन्वेंशन बनाई चार बस उसी को पुट करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो नए फॉर्मूला सब नहीं करेंगे। उसी तरीके से वो कंकेव का भी सिखाता है, ये तो मैंने सिखाई दिया एक आर नेगेटिव एक आर पॉजिटिव, पर फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन है जो कि कनकेवो कन्वेक्स लेंस पे है, जो कि मैंने आपको अभी डबल कन्वेक्स लेंस बताया, मैंने बाई कन्वेक्स बताया, बाई कनकेव बताया, प्लेनो भी बताया, पर मैंने आपको कनकेवो कन्वेक्स नहीं बताया। तो एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि इकलौता एक ही क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अभी देखो थिन कनकेवो कन्वेक्स लेंस है, दो सरफेस हैं आर और टू आर। कनकेवो कन्वेक्स लेंस की जो फोटो है ना वो ऐसी थी, अब ये याद करना पड़ेगा क्या फोटो थी, मैं भूल जाता हूँ छः महीने में, पक्की बात है आप भी भूल जाओगे। ठीक है, तो ये डायग्राम था इसका। क्वेश्चन ये है कि लाइट को चाहे मैं लेफ्ट से इंसिडेंट करवाऊँ और लेंस को चाहे मैं उल्टा कर दूँ, और लेंस को सीधा रखूँ या उल्टा कर दूँ, लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रूव करो, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को छोड़ो, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करनी है ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि डायग्राम कैसा है तो क्वेश्चन कैसे होगा। चलो आपको डायग्राम याद आ गया, डायग्राम ये याद आ गया आपको, ये आपका जो लेंस है वो कनकेवो कन्वेक्स लेंस हो गया, इसमें दोनों आर नेगेटिव होंगे, लेफ्ट की तरफ हैं, दोनों आर नेगेटिव हैं। चलो ये भी अच्छा हो गया कि आर दोनों हमेशा नेगेटिव होते हैं इसमें, चलो याद करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों आर नेगेटिव हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा, रेडियस दो हैं R1 एंड R एंड 2R, कौन सा R1 कौन सा R2, अब यहां फंसोगे। ये तो याद कर लोगे, चाहे कनकेवो कन्वेक्स है चाहे कन्वेक्सो कनकेव है, दोनों में R नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि R1 कौन होगा और R2 कौन होगा। उसके लिए ही तो लिखा था ये छोटे वाला, इस कनकेवो कन्वेक्स में छोटे वाला R2 होगा, बड़े वाला R1 होगा। तो छोटे वाला इसमें R है और बड़े वाला इसमें 2R है, ये ही इसलिए लिखा था कि छोटा कौन और बड़ा कौन, क्योंकि R नेगेटिव तो आप वैसे भी याद कर लोगे इसमें, पर R1 क्या पुट करोगे और R2 क्या पुट करोगे ये नहीं आपको पता लगेगा। तो ये पॉइंट समझ में आया, कैसे हेल्प करेगी ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, फिर करना ही कुछ नहीं है, जब यही पता लग गया कौन R नेगेटिव कौन, आंसर आ गया खत्म, फिर तो वैल्यू पुट करके फोकल लेंथ आ गई। मेन चीज तो यही थी कि R नेगेटिव पुट करना है कि पॉजिटिव, तो ये तो फैसला हो गया कि दोनों R नेगेटिव, पर कौन सा छोटा कौन सा बड़ा वो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, ऐसे याद करना पड़ेगा। अब इसके अंदर वो कहता है मैं लेंस को उल्टा कर देता हूं,
उल्टा करने पे दोनों आर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. पहले सेंटर्स इधर हैं, अब सेंटर्स इधर हैं, राइट? तो दोनों आर्स क्या हो गए? पॉजिटिव. तो जब दोनों आर्स पॉजिटिव हो गए और जब लेंस मेकर में आपने पुट किया, आंसर सेम आ गया, सेम. तो वो यही तो कह रहा था कि प्रूव करो कि चाहे मैं लेंस को सीधा रखूं चाहे मैं उल्टा करके रखूं, फोकल लेंथ विल रिमेन सेम. यही क्वेश्चन था. क्या ये पॉइंट्स को समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक. हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको चार किस्म के लेंस दे रहा है, म्यू दे रहा है, आर वन आर टू दे रहा है. तो इसमें यहां पे डबल कन्वेक्स है, तो आर वन पॉजिटिव आर टू नेगेटिव, ये दोनों आर पॉजिटिव. इसमें एक आर नेगेटिव एक आर पॉजिटिव, इसमें दोनों आर. बस लेंस मेकर में कर करके फोकल लेंथ निकालते रहो, सिंपल है. अब जो असली चीज है, जो एनसीईआरटी की शीट है, वो कुछ ऐसी है. ये रही